हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग। और अभी जो हम सुबह शाम के जो है 4 बज चुके हैं। आज जो है मैं ये मेथी के साग जो है हार्वेस्ट किए थे, तो इसमें पूरा खाली हो गया है और मिट्टी तो अभी बहुत रिच है। और इसमें जो मिट्टी हम बहुत जो हेल्दी मिट्टी बनाए थे इस पौधा के लिए, तो अभी जो है इसको हम जो है सुबह में 6 घंटा सुबह 10 बजे रखें और 4 बजे इसको निकाल लिए हैं। तो ये बहुत अच्छा से फूल गया है। ज़्यादा फूलने पर ये लसलसापन आ जाता है। 4 से 6 घंटा आप फुलाइए और इसको जो है सो हम इसमें जो है सो गिरा देते हैं बीज इस तरह पूरा, और गिरा के और सब जो देख रहे हैं इसको हम छोड़ दिए हैं कि इसमें से साइड निकल रहा था। और देखिए ऊपर से जो है सो सब कीड़ा खा गया था। तो जब ये छोटा छोटा जर्मिनेट होगा तो हम फिर इसमें स्प्रे करते रहते हैं। ये बहुत ही जो है सो इसका रख रखाव थोड़ा सा चाहिए। तो हम कुछ नहीं स्प्रे करते हैं, या तो नीम का तेल या तो नीम का जो पत्ता होता है या उसका जो लकड़ी होता है उसको हम फुला के और स्प्रे करते रहते। तभी हम इसको हम इस तरह इसमें बो देते हैं। बोने के बाद जो है ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी इसमें हम इस तरह थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। तो पहले हम इसको पानी से पूरा हम इसको भिंगा दिए थे, मिट्टी को पटा दिए थे जो थोड़ा सा नमी बना रहे। नमी बनने के बाद जो होता है उसमें थोड़ा ऊपर से भी फिर हम इस तरह से जो है सो थोड़ा थोड़ा बीज को ढक देते हैं। ढकने के बाद जो है इस पर थोड़ा सा पानी का फुहारा मारेंगे। और जैसे कि आप अभी से लेके जनवरी फरवरी मार्च तक इसको आप इस तरह बोते जाइए और अपना हार्वेस्ट करते जाइए, तो बहुत अच्छा है और इजीली हो जाता है। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाए तब उखाड़े इस तरह, तो ज़्यादा बड़ा हो जाने पर भी ख़राब हो जाता है। तो जब छोटा छोटा पौधा इस तरह हो जाए, देखिए हमारा एक जो है कंटेनर में तैयार है, तो एक कंटेनर में आज हम इसको हार्वेस्ट कर लिए हैं पूरा। तो हम इसको गिरा देते हैं और ये जो है 2 से 3 दिन में ये बहुत अच्छा इसका जर्मिनेट हो जाएगा, पूरा एकदम उग जाता है। तो इस तरह हम पूरा इसमें कर देते हैं, ऊपर से पानी का फुहारा इस तरह हम लगा देते हैं। और काहे के नीचे जो है सो मिट्टी में पूरा नमी था, तो थोड़ा थोड़ा पानी, और देखिए ये जो है सो थोड़ा पानी दिए हैं तो फिर उगाया है ये जो बीज जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आप इस तरह जो है सो आप इसको बोते जाइए, हार्वेस्ट करते जाइए और अपना किचन में जो है सो वो अपना खुद से उगाए हुए इस पौधा मतलब सब्जी को बहुत ही अच्छा से आप मज़ा लीजिए और खुद बनाइए और परिवार को खिलाइए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।